हाय माय ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की जो कलेक्टिव रीडिंग जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक पिक कार्ड और एक कलेक्टिव आप लोगों को रोज़ दूंगी ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए जिन लोगों को पिक कार्ड में दिक्कत आती है ठीक है तो आज का वीडियो होने वाला है आप लोगों की फरमाइश पे और ये फरमाइश सुनील जी ने की थी ठीक है जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी कि आ, क्या हमारे पार्टनर को ये रिग्रेट है कि उन्होंने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया या उन्होंने गलत किया अब ये आप लोग ऐसे भी ले सकते हो कि अगर किसी पार्टनर ने आपसे चीट किया है तो आप उनके लिए भी देख सकते हो या फिर अगर आ, किसी पार्टनर ने आपको छोड़ा हो अपनी फैमिली के लिए अपने करियर के लिए तो आप उन उसके लिए भी देख सकते हो बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू अगर नहीं होती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी ठीक है चलिए शुरू करते हैं कुछ गिरे हैं तो इनको चेक इन कर लेते हैं चेरियट फोर ऑफ एंड द फोर ऑफ सोड्स, ठीक है जेमना लिब्रा कैंसर एंड एरीज लियो, सजिटेरियस देन वी हैव द हेरोफेंट, फाइव ऑफ कप्स डेथ कार्ड, ओके एंड द बॉटम ऑफ द नेक जजमेंट तो या तो आप लोग जमुना लिब्रा एक्वेरियस कैंसर एरिज सजिटेरियस हो सकते हैं वृगो हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस अगेन एंड या फिर हो सकते हैं स्पेशली स्कॉर्पियो या कैंसर हो सकते हैं ठीक है स्कॉर्पियो भी बहुत ज्यादा फील हो रहा है मुझे स्कॉर्पियो ठीक है स्पेशली जो जोडिएक्स हैं यहाँ पे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है अदरवाइज सब लोग देख सकते हैं बिकॉज सारे ट्वेल्व जो होते हैं हमारे जोडियक्स वो हमारे चार्ट में ऑलरेडी मौजूद होते हैं ठीक है सो डोंट अप विद ऑल दीज थिंग्स कि मैम हमारा जोडियक आया ही नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको छोड़ करके या तो किसी दूसरे लड़के को चूज किया है या किसी दूसरे लड़के को चूज किया है या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने घर वालों को ठीक है अपने घर वालों को इस पर्सन ने चूज कर लिया ठीक है और ये चीज आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी बहुत ज्यादा बुरी लगी इतनी ज्यादा बुरी लगी ना कि अंदर से मतलब एक तरीके का क्या कहते हैं उसको खुंदस खुंदसी नहीं हो जाती किसी बंदे से ऐसा हुआ कि मैंने इतना दिया इसको रिलेशन में और इसने मेरे साथ क्या किया लाइक इस तरीके का बिट्रायल मुझे किस चीज की सजा मिल रही है कुछ आपको इस तरीके की फीलिंग्स महसूस हो रही हैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज भी आप वेट कर रहे हो कई लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने ना शादी कर ली है दूसरी स्टिल आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हो टेक्निक्स यूज कर रहे हो कि भाई ये पार्टनर वापस मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं ऐसे इंसान के लिए आपको कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए ब्रह्मांड की मतलब इतनी मतलब बड़ी बड़ी सुप्रीम पावर्स हैं आपको नहीं लगानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो कि इस तरीके के एनर्जीज में आपको छोड़ के चले जाते हैं जो एनर्जी ईटर होते हैं आपके आपको धोखा देने वाले होते हैं ओके तो आपका आज का क्वेश्चन ये है कि भाई क्या इनको किसी तरीके का कोई गम वम है किसी तरीके का कोई गिल्ट है तो फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए मुझे ये गिल्ट फील हो रहा है कि इसके मन में किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन है कि यार मैंने ना गलत कर दिया ठीक है मैंने ना गलत कर दिया किसी सही इंसान का ना मैंने दिल दुखा दिया और फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए मुझे इट्स अ कैजुअल रिलेशनशिप टाइप लग रहा है उनको ऐसा लग रहा है ना फिफ्टी परसेंट जो दूसरे लोग हैं जिनको कोई गिल्ट विल्ट नहीं है कि अरे कोई बात नहीं ऐसा तो चलता रहता है अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ मैंने तो कोशिश करी थी अब मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीक है इस तरीके का गंदा सा बिहेवियर लेकर बैठे हुए हैं वो फिफ्टी परसेंट लोगों के मन में हाँ है गिलानी है मन में कहीं ना कहीं लेकिन फिफ्टी परसेंट लोग आज भी बहुत गंदा सा रिएक्ट करके बैठे एग्जिस्टेंस का कार्ड है हमारे पास देन वी हैव मोरालिटी ठीक है देन वी हैव लेटिंग गो और फिर है हमारे पास टर्निंग एंड देख लो वही सारे कार्ड आगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कुछ कार्ड और निकालते हैं फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूं हमारे पास है यहाँ पे न्यू विजन ओके एंड द लास्ट कार्ड वी हैव गाइडेंस ओके यही तो बात है बात ये है मेरे प्यारे से प्यारे से क्यूट क्यूट एंजल्स कि इस पर्सन को फिफ्टी फिफ्टी का सिनेरियो है यहां पे पचास परसेंट जो लोग देख रहे हैं आज का वीडियो जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन को बहुत पछतावा है मन में बहुत ज्यादा गिल्ट है कि यार मैंने क्या कर दिया अपनी जिंदगी को इस कदर इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया मैंने किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है ठीक है लेकिन 50 परसेंट लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं आप लोगों को साफ बता रही हूँ ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी तरीके की कोई मोरालिटी जिंदा नहीं है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को ठीक है फील कर रहे हैं कि अरे जो हुआ सो हुआ अब मुझे अपने नई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ठीक है और आपको ना कभी एक मैसेज करके भी नहीं बोलते हैं उन्होंने आपको एक बार कभी भी ना मैसेज करके ये तक नहीं बोला कि हाँ भाई देखो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई स्टिल तुमने मुझे उसके लिए माफ़ कर रखा है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया मतलब अदा करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ इस तरीके का भी कोई उनका ना मन में जहन में कोई ख्याल नहीं है ये बंदा नई जिंदगी में ना खुश है बहुत ज़्यादा नए लोगों के साथ नई जिंदगी में नया सब कुछ देख करके ना बहुत ज़्यादा खुश है तो आप लोगों के लिए मेरा गाइडेंस यही है कि जब सामने से अच्छा पहले मैं गाइडेंस नहीं दूंगी पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी क्योंकि काज में भी यही चीज है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज पता है कि मेरे बंदे को गिल्ट है या मेरे बंदे को गिल्ट नहीं है ठीक है बंदा बंदी एज डिपेंड ऑन व्यूअर ठीक है कि आ, इनको गिल्ट है या नहीं है आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ पता है ठीक है अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस बंदे को गिल्ट है तो तो फिर भी चलो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप लोगों को अंदर से पता है कि इस बंदे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है मेरी किसी भी दुख दर्द से और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपको करना चाहिए लेटिंग गो आपको इस इंसान को लेट गो कर देना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए हिसाब से टर्न करना चाहिए लोगों से गाइडेंस लेना चाहिए न्यू विज़न अपनाना चाहिए ठीक है क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ बिकॉज जजमेंट आपको ज़रूर मिलेगा ठीक है जजमेंट आपको जरूर मिलेगा और जजमेंट इज लाइक कि आपको रियलिटी पता लगेगी आपको एक अच्छा इससे भी इससे भी सवा गुना बेहतर इंसान कोई मिलेगा ठीक है तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए चलिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए और फ्रॉम दी मूनोलॉजी डेक आई होप ये वीडियो आपको क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहा होगा और मेरी कोशिश सफलता में बदले ओके वी हैव अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक लेट यू डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज एंड आंसर यू नीड अ कमिंग यह आंसर तो खैर मैं भेज ही रही हूँ आपको ठीक है आई होप आप दिख रहे होंगे कांसर तो आंसर्स तो मैं भेज ही रही हूँ आपको ठीक है ये समय आ गया है देने का ना कि लेने का ओके okay. उन लोगों के लिए जो कि अभी भी इस असमंजस की स्थिति में बैठे हुए हैं कि भाई मेरा बंदा तो बहुत ही खराब है उसको किसी तरीके का कोई गिल्ट है भी या नहीं है ठीक है और आप अपने पास्ट को मत अपने आप को पकड़ने पकड़ने दो क्यों क्योंकि अगर आप अपने पास्ट को पकड़े बैठे रहोगे या फिर अपना रिमोट अगर अपने पास्ट को दे दोगे ना तो आगे चल के फिर ज़िंदगी में क्या होगा आप खुद खुद अच्छे से इस चीज़ को पहचान सकते हो उन फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए जिनके पर्सन को एक तरीके का पछतावा है और उनकी शादी नहीं हुई है कहीं भी तो ये पर्सन वापस लौट कर आएगा ठीक है एक क्लाइमेक्स होगा और ये इस क्लाइमेक्स के अंदर ना आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि भाई देखो फाइनली मेरी जीत हो गई ठीक है तो इस बंदे को पछतावा है फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए और फिफ्टी परसेंट लोगों के लिए कोई पछतावा पछतावा नहीं है ठीक है अपनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं खुश हैं बहुत ज्यादा और मन में यह सोच के बैठे भाई मैंने तो कोशिश की थी नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट टू ऑल ऑफ यू अगर करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं और इसी तरीके की रीडिंग्स देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को जरूर क्लिक करें बिकॉज काफी लोग बोल रहे थे आपके वीडियोज का नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है ठीक है और आ, किसी भी तरीके की पर्सनल पेटेंटिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ठीक है या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं लिंक और ईमेल दोनों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है ठीक है लव यू बहुत सारा वाला बाय